हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई। सो गाइस, बॉलीवुड अब आस्ते आस्ते ऐसा लग रहा है कि फुल ऑन टॉप गियर मोड पे अपनी एक्टिविटीज जो है उसको एक्टिवेट करते हुए नजर आ रहा है। कल हमने देखा किस तरह से एपिसोड में शाहरुख खान की जो तीन बड़ी फिल्में हैं जिससे वो वापस बॉक्स ऑफिस पे एक साल के ब्रेक के बाद आने वाले हैं, चाहे वो किंग हो, उसके बाद राज एंड डीके हो, या फिर अमर कौशिक एंड मैडॉक या दिनेश विजन की फिल्म हो, या फिर उनकी मैग्नम ओपस फिल्म पठान 2 हो। उसके बाद अभी सुबह हमने डिस्कस किया सलमान खान की लाइनअप जो कि कम्प्लीटली क्रेजी हो चुकी है। अभी फिलहाल दिस इज गोना गो कम्प्लीट क्रेजी विद सिकंदर, किक 2 एंड एटली 6। सलमान खान विल मेक द बिगेस्ट ब्लास्ट एट द बॉक्स ऑफिस एंड नाउ द किंग्स द मेगा प्रोड्यूसर्स द मास्टर माइंड आदित्य चोपड़ा हैज ऑल्सो कम बैक ऑन द फील्ड। पिछला हफ्ता पूरा आदित्य चोपड़ा ने अपना नाम जो है वो सुर्खियों में रखा हुआ था, क्योंकि सभी लोगों को पता है किस तरह से द मोस्ट लव फ्रेंचाइजी धूम जो थी द मनी स्पिनर, जिसकी फोर्थ पार्ट जो है उसमें रणबीर कपूर का नाम एज विलन जो है वो अनाउंस हुआ था, एवरीवन वाज गॉन कम्प्लीटली क्रेजी। क्योंकि गाइस, धूम 4 का इंतजार हम सब बहुत सालों से कर रहे हैं। आई मीन इस फिल्म से ऑलमोस्ट 20 सालों की यादें जो है जुड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली फिल्म जो स्पेशल बन जाती है। एंड कल ही भैया रात को हम बोल रहे थे भाई के आदित्य जी वॉर की अनाउंसमेंट कीजिए भाई रिलीज डेट की, क्योंकि गाइस कल ही गाइस हमें देखा किस तरह से यहाँ पर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म जो थी दिल्ली फाइल्स, उन्होंने 15 अगस्त का डेट जो है वो ले लिया। एंड मैंने कल ही कहा था कि वॉर 15 को नहीं 14 अगस्त को आएगी 2025 में। तो आदित्य चोपड़ा ने आज गाइस ऑफिशियल प्रेस रिलीज जो है अल्फा के रिलीज डेट का अलॉन्ग विथ वॉर 2 के रिलीज डेट का जो है यहाँ पर दे दिया। यस, वॉर 2 ऑफिशियली विथ अ पोस्टर रिलीज नहीं हुआ है, कोई भी अनाउंसमेंट, लेकिन उसके रिलीज डेट यहाँ पर यशराज फिल्म्स ने वापस से प्रेस में जो है यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म किया है कि भाई हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। वॉर 2 नाम की एक फिल्म है जो बन रही है, जिसका ओपनिंग डे सभी फिल्मों का बाप होगा, इसका इंतजार कीजिए, हम अगले स्वतंत्रता दिवस बॉक्स ऑफिस पे राज करने आ रहे हैं। सो गाइस, अब सबसे बड़े अनाउंसमेंट जो हुई है यहाँ पर वो है आलिया भट्ट एंड शर्वरी वाघ की फिल्म अल्फा की। बहुत लोग इस फिल्म को हल्के में ले रहे हैं, उनको लग रहा है दो महिलाएं होंगी क्या ही कर लेगी। वो हमेशा याद रखना, स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। तो महिलाओं की फिल्मों को ज्यादा हल्के में मत भापिए। यानी सब लोग भूल रहे हैं कि इस फिल्म का कोर स्टाकर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। बॉबी डेवल एज द विलन, इज लुक विल गो कम्प्लीट वायरल आफ्टर द रिलीज, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, अलॉन्ग विद अनिल कपूर जो कि नए RNAW के अभी ऑफिसर बनते हुए दिखाई देंगे पूरे के पूरे स्पाई यूनिवर्स में। एंड अगर आप भूल रहे हो तो आपको याद दिला दूं, वॉर 2 के अंत पे यहाँ पर शुरुआत होगी अल्फा की। एंड ऋतिक रोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार जो है इस फिल्म में निभाने वाले हैं। मैंने पहले सब बता दिया तुम लोगों को, कश्मीर की शूटिंग पूरा का पूरा, इसका सेट पैटर्न पूरा मैंने बता दिया। एंड यस, अल्फा वो इकलौती फिल्म होगी यहाँ पर स्पाई यूनिवर्स में जिसमें इंडिया पाकिस्तान एंगल नहीं है, तो द दुश्मन विल बी विद इन द कंट्री एंड दे विल फाइट विद इट। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है अल्फा का, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म। सो गाइस, अल्फा ने यहाँ पर रिलीज डेट जो है 25 दिसंबर 2025 को अनाउंस किया है, क्रिसमस, क्योंकि गाइस इस डेट पर पहले रणबीर कपूर एंड उसके बाद विकी कौशल एंड आलिया भट्ट की फिल्म जो थी संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर वो रिलीज होने वाली थी, तो वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिए ईद 2026 जहां पे वो शाहरुख खान की फिल्म किंग के साथ क्लैश करेंगे, तो रिलीज डेट खाली ही था। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी फिल्म नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड सिनेमा जो है अवतार रिलीज हो रही भाई। सर वो वाली अवतार नहीं, वो वाली नहीं भाई, अवतार 3। तो अवतार 3 रिलीज हो रही है, ऑब्वियसली अवतार 3 इज अ बिग फिल्म, लेकिन उसका जॉनर अलग है, इस फिल्म का जॉनर अलग है। एंड इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं शिव रवेल। तो गाइस, अब स्पाई यूनिवर्स की रिलीज डेट्स पर हम जरा ध्यान देते हैं। वॉर 2 की बहुत सारी शूटिंग बाकी है, एक बहुत ही मेजर स्केड्यूल होने वाला है, इसकी डिटेल में बहुत कुछ ही दिनों में आप सभी लोगों के लिए लेकर आऊंगा। मैंने सब स्केड्यूल्स वॉर 2 का आपको बताया है, शाओलिन फाइट, जूनियर एनटीआर की एंट्री, इटली का गाना, सब पहले बता दिया था। तो वॉर 2 का एक और स्केड्यूल होने वाला है, उसकी डिटेल आपको बताऊंगा। सो गाइस, वॉर 2 जो है यहाँ पर रिलीज होने वाली है थर्सडे 14 अगस्त को, ये बात याद रखना। 14 अगस्त को तो शुरुआत कहां से हुई, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर समझ में आ रहा है, पठान ठीक है, उसके बाद टाइगर 3, उसके बाद 6th नंबर है यहाँ पर वॉर 2। तो वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स की 6th फिल्म होने वाली है,
14 अगस्त 2025 को आएगी एंड अल्फा विल फॉलो द इवेंट्स ऑफ वॉर 2. ऑफिशियल बताया है यशराज फिल्म्स ने. एंड अल्फा विल बी द सेवेंथ फिल्म इन द स्पाई यूनिवर्स. तो ये सातवीं फिल्म है स्पाई यूनिवर्स की. अब देखने लायक रहेगा भैया क्रिसमस 2025 पे और कोई फिल्म अनाउंस होती या नहीं होती. करेंगे भाई, अक्षय कुमार कर देंगे अपनी फिल्म. तो अक्षय कुमार ही क्रिसमस शायद अनाउंस करेंगे कोई बहुत बड़ी फिल्म. लेट्स सी कौन सी होती है. ये तो आने वाला समय जो है वही बताएगा. लेकिन फिलहाल अभी अल्फा अनाउंस हो चुकी है. बिग रिलीज है. पैन इंडिया फिल्म है. तमिल, तेलुगु एंड हिंदी तीन भाषाओं में जो रिलीज होने वाली क्रिसमस पे. अब गाइज ये सब तो चीजें हो गई. तो यशराज फिल्म्स जब पठान 2 की शूटिंग शुरू करेगा तो वो वॉर 2 एंड अल्फा इनको निपटा चुका होगा. हमको स्पाई यूनिवर्स में अब कहानी कहां पर है, किस मोड़ पर है, ये पता चल जाएगी जो नया अध्याय जो है शुरू हो रहा है वॉर 2 से. तो वील हैव सम न्यू विलन्स, सम न्यू फेसेस, सम न्यू ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द स्पाई यूनिवर्स. एंड जनवरी 2026 से अब्बास टायरवाला, श्रीधर राघवन, आदित्य चोपड़ा एंड अ न्यू डायरेक्टर विल स्टार्ट शूटिंग फॉर पठान 2. समझ में आ रहा है. पठान 2 विल बी द 8th फिल्म ऑफ द स्पाई यूनिवर्स. तो ध्यान में रखना भैया, काम आएगा भाई, दिमाग में रखिए. 8th फिल्म ऑफ द स्पाई यूनिवर्स विल बी पठान 2. इसकी शूटिंग शुरू होगी जैन 2026 से. एंड द 9th फिल्म इन द स्पाई यूनिवर्स विल बी टाइगर वर्सेस पठान. पठान 2 का अंत जहां पे होगा वहीं से टाइगर वर्सेस पठान जो है यहाँ पर शुरू हो गया. फिल्म डेफिनेटली बनने वाली है. सो कंसेप्चुलाइजेशन जो है यशराज में शुरू हो चुका है. एंड गाइस पठान 2 जो है ऑलरेडी डायलॉग्स के लिए चली गई है, उसकी रैकी है. उसका पोस्ट प्री प्रोडक्शन जो है बहुत जल्दी शुरू होने वाला है. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये फिल्मों को मैं अगर छोड़ दूं तो यशराज फिल्म्स मोहित सूरी एंड चंकी पांडे एंड अनन्या पांडे के रिश्तेदार जो है आहान पांडे, उनके साथ भी एक लव स्टोरी बना रहे हैं. ओके, नंबर वन. एंड जो दूसरी फिल्म है जो कि स्पाई यूनिवर्स को छोड़कर बन रही है वो है सबका बाप धूम 4. धूम 4 की राइटिंग विजय कृष्णा आचार्य एंड आदित्य चोपड़ा कर रहे हैं. डायरेक्टर कोई नया होगा. अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो आयान को ले लेंगे धूम 4 बनाने के लिए. तो वो भी कंफर्म नहीं हुआ है कि धूम 4 का डायरेक्टर कौन होगा. एंड मैंने आपको पहले वीडियो बना के बता दिया है अली अब्बास सफर अभी जिंदा है. तो देखने लायक ये रहेगा कि अली अब्बास जफर अभी कौन सी फिल्म डायरेक्ट करता है. उसी दिन न्यूज ब्रेक हुई कि अली अब्बास जफर इज कमिंग बैक टू यशराज फिल्म्स. तो यशराज फिल्म्स में बहुत कुछ हो रहा है, उससे निश्चित रहिए. वो आपको हमेशा एंटरटेन करते रहेंगे एंड कुछ अलग आउट द बॉक्स देते रहेंगे. तो गाइस आई होप ये एपिसोड आप सभी लोगों को पसंद आया होगा. जितनी भी डिटेल्स है इन सारी फिल्मों की मैंने आप सभी लोगों को दे दी है. तो एपिसोड को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए. स्वामन अंसारी साइनिंग ऑफ. यू गोना सी मी वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन.